दिन पहले वो मेरे से मिला था और हमको बोल रहा था तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, हम तुमको लाइक करते हैं और प्यार करते हैं, हम यहाँ के गुंडा है तुम जानती हो, तुम मेरे साथ आओगी तो कोई कुछ तुमको नहीं बोलेगा। फिर हम वहाँ से 2 मिनट बात किए और फिर हम डर से भाग आए। और फिर कल हम जीवी मॉल गए थे कुछ खाने पीने, वहाँ पे हमेशा हम लोग आते जाते रहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे अंदर गए तो वो बैठा हुआ था और हम अपनी फ्रेंड से मिले पार्किंग में। सामने से एक वाइट कलर की कार आई और वो कार से उतरा और कार से फिर एक लड़का मुड़ा के कार और एक लड़का ड्राइवर वाले सीट पे जाके बैठ गया। तब तक 2 लड़का अगल बगल खड़ा हो गया और फिर वो कार के एकदम करीब जाके बोला, पिस्टल लगा के यहाँ पे बोला कि जल्दी कार में बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, हमको सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करना। और फिर हम कार से गए तो 2 मिनट के लिए चौराहा के पास रोका था, फिर गाड़ी लॉक कर दिया था। और फिर वहाँ से हमको PNM के रास्ते में उधर पाटलिपुत्रा के तरफ ले गया, एक फ्लैट था जरा से हमको आके वहाँ पे। और फिर वो मेरे साथ जबरदस्ती किया, एक रूम बंद कर दिया और जबरदस्ती, हम बहुत रोए थे बहुत चिल्लाए थे। कुल कितने लड़कों ने ये कर लिया? दो लड़के ने। क्या कुछ अपने बारे में बता रहे थे कि मैं इसका बेटा हूँ या क्या हूँ? नहीं, वो बोल रहा था हम गुंडा है, वो विनायक सिंह है, वो हमेशा गुंडा गर्दी करते रहता है। चलो ठीक है, हो गया। क्या नाम है उस दोनों का, आरोपी का? विनायक सिंह और संदीप मुखिया। क्या नाम है? और फिर वो मेरा वीडियो भी बना लिया था, बोल रहा था संदीप मुखिया कि तुम एक बार मेरे साथ करो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे तुम्हारा। और फिर कार में भी बोला था कार में रोको करना, फिर हम चिल्ला के और फिर वहाँ से हम भाग के आ गए। पुलिस के पास कैसे पहुंची? हम वहाँ से गए तो अपनी दीदी को बताए, रूममेट को, तो दीदी भैया को कॉल की थी, तो भैया पुलिस को कॉल किए थे, तब वो आई मेरे पास, वो महिला अध्यक्ष से बात की, तब वो आई, फिर वो हमको ले गई, तो फिर हम उनको सारा चीज बताए। पूरी रात थाने में रही? हाँ, पूरी रात हम महिला थाना में रहे थे। लेकिन अभी तक कुछ करवाई? अभी तो प्रोसेस हो रहा है, मेरा मेडिकल हुआ है।